मध्य प्रदेश में बोरवेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समय समय पर ऐसे हादसे सामने आते हैं जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाती है। बीते दिनों सिंगरौली में बोरवेल हादसे में बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली हादसे में बच्ची की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने खुले बोरवेल, ट्यूबवेल, नलकूप के सत्यापन प्रमाण पत्र में लापरवाही बरतने पर जिले में पदस्थ सहायक यंत्री और चितरंगी के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत चितरंगी के एक गाँव में 3 वर्षीय बालिका के खुले बोरवेल में गिरने से कल दुखद मृत्यु हुई थी। इसमें खुले बोरवेल के सत्यापन प्रमाण पत्र में लापरवाही बरतने वाले सिंगरौली जिले में पदस्थ सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग उपखंड देवसर एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चितरंगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।